साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। रम 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 बिस्की में हमने देखा एक चार्मिंग लेडी को डांस करते हुए, वो आज हमारे साथ हैं, डॉली आहलूवालिया। मैम, विकी डोनर में आपकी परफॉर्मेंस को सबने सराहा, और इतना सराहा कि आज आप नेशनल फिल्म अवार्ड्स तक पहुंच गई हैं, कैसा लग रहा है? शब्द नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे आपने बोला कि ऑडियंस के माध्यम से ये चीज़ हुई है, दे आर द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स एंड ग्रेटेस्ट पीपल, सो आई हग देम एंड आई थैंक देम। मैम, विकी डोनर की बात की जाए, बहुत ही अलग थीम की पिक्चर थी और आपका किरदार भी बिल्कुल हटकर था उसमें, तो कैसा लगा, कैसा रहा एक्सपीरियंस विद योर को एक्टर्स? अन्नू मेरे बैचमेट हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, कमलेश गिल मेरी बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं दिल्ली थिएटर से, और आयुष्मान को मैं चंडीगढ़ से है लेकिन इसमें पहली बार मिले थे। यामी को मैं जानती थी बिकॉज ऑफ फैमिली कनेक्शंस। सो राइट फ्रॉम फर्स्ट डे मैं कहूँगी तो एक परिवार की फिल्म थी ये, और खूब मस्ती हुई, खूब खेल कूद हुआ, एक दूसरे पे मजाक हुए, और शुजीत जो हमारे डायरेक्टर हैं वो बहुत क्रिकेट खेलते हैं तो खूब क्रिकेट भी हुआ और फिल्म भी बन गई। दैट्स ग्रेट। ऐसा होता है कि जब आप एक फैमिली का किरदार निभा रहे होते हैं, एक फैमिली को एक्ट कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल में आपको ये फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ शायद ये एक परिवार की तरह ही है। बिल्कुल, जब तक आप उस चीज़ में नहीं विश्वास करेंगे आप अपने को आगे नहीं लेके आवे, कैरेक्टर नहीं बना पाएंगे। सो मुझे बहुत अच्छा लगा डॉली आहलूवालिया से डॉली अरोड़ा को ट्रांसफॉर्म करना, और शायद आयुष्मान को मैं अपना बेटा ही मानती हूँ आज भी। सो इट वॉज, और पूरे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी पूरे प्रोसेस में एक बहुत अच्छा माहौल रहा था। जब कहते हैं ना कि सब अगर अच्छे मिश्रण हो जाए तो जो खाना है वो बहुत ही स्वाद होता है, तो वो हुआ। तो उस मिश्रण का असर हमने पर्दे पर देखा और वाकई में लग रहा था कि शायद ये कोई एक्ट नहीं हो रहा है, कोई प्ले नहीं हो रहा है, रियल फैमिली हम देख रहे हैं, राइट? एब्सोल्युटली, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मैं स्पेशली एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाहती थी कि ये माँ हर दिल की पुकार हो, हर में बस जाए, क्योंकि माँ जननी है, औरत जननी है, तो शी कैन ऑलवेज बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ वेरी चार्मिंग लेडी डॉली आहलूवालिया, जिन्होंने बताया कि कभी कभी जब परिवार का रोल वो करती है तो ऐसा लगने लग जाता है कि वाकई में शायद एक परिवार उनके साथ है।